ये देखें जी, हमारा पराठा कितना जबरदस्त बना है, बहुत ही क्रंची है। ये देखें कितनी जबरदस्त इसकी लुक है, बहुत ही क्रिस्पी बना ये। उम्मीद है आप सब लोगों को जरूर पसंद आएगा, इसको ट्राई कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। हमेशा की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। चलें जी, स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही जबरदस्त मूली के पराठे। मूली के पराठे बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बहुत ही क्रंची बनेंगे। चलें जी, सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक मूली ली है, उसको मैंने सेंटर से कट लगाकर पीसीस में कन्वर्ट कर लिया है। अब इसको हम कद्दूकस करेंगे। सबसे पहले मूली को यहाँ पर सबसे पहले हमने मूली को कद्दूकस करना है। बहुत ही एहतियात से करेंगे ताकि हमारा हाथ जो है वो काटा ना जाए। ये देखें जी, मूली को हमने ग्रेट कर लिया है। अब यहां पर मैंने एक बोल लिया है और हाथ की मदद से मूली का जो पानी है वो सारा निकाल लेंगे अच्छे से दबा के। अगर आप चाहें तो इसको किसी मलमल के कपड़े में डाल के भी सारा पानी इसका निकाल सकते हैं। देखें जी, यहाँ पर मेरे पास स्पाइसेस रखे हुए हैं जो कि मूली के पराठा बनाने के लिए इस्तेमाल होंगे। यहाँ पर मैंने लिया है 1 टीस्पून साबुत जीरा है, 1 टीस्पून है मेरे पास नमक, 1 टीस्पून है मेरे पास सूखा धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून है मेरे पास चाट मसाला, 1/2 टीस्पून है मेरे पास कलौंजी, 1.5 टीस्पून है मेरे पास रेड चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून है हल्दी पाउडर, सब्ज मिर्चे हैं फ्रेश वाली, उसको मैंने चॉप करके रख लिया है, तकरीबन 2 टेबल स्पून है, सब्ज धनिया है, लहसुन है मेरे पास 6 से 7 जवे लहसुन के थे उसको भी मैंने ग्रेट करके रख लिया है, और एक लेमन है। सबसे पहले हम ये सारे स्पाइसेस मूलियों के अंदर ऐड करेंगे। सारे के सारे स्पाइसेस मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। ये सारे स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें जाएगा चॉप की हुई सब्ज मिर्चें, सब्ज धनिया, अब इसमें चॉप किया हुआ लहसुन ऐड करूंगी। लहसुन ऐड करने के बाद एक मेरे पास लेमन है, उसका जूस हम इसमें ऐड कर देंगे। सारी चीजें ऐड करने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे। मैं हाथ की मदद से मिक्स करने लगी हूँ, हाथ से ज्यादा अच्छी मिक्सिंग होती है। अगर आप लोग चाहें तो आप चम्मच से भी मिक्स कर सकते हैं। इस स्टेज पे आके आप लोग नमक और मिर्च का टेस्ट कर सकते हैं, अगर आपको कम या ज्यादा लगे तो आप मजीद इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मूली हमारी बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो चुकी है। यहाँ पर मैंने आटा गूंद के पहले से रख लिया था, आम जो घर में इस्तेमाल होता है गंदम का आटा, इसको मैंने गूंद लिया, थोड़ा सा नमक ऐड करके अब इसके पराठे बनाते हैं। मूलियों की मिक्सिंग के बाद यहाँ पर मैं इसके अंदर 3 टेबलस्पून के करीब ऑयल शामिल करूंगी, अगर आप चाहें तो आप घी भी शामिल कर सकते हैं। चलिए जी, पराठे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने छोटे छोटे से 2 पेड़े बना लेने हैं। इस साइज के मैं 2 पेड़े बना के रख लूंगी।
अब एक एक करके दोनों पेड़ों के किनारे हमने हाथ की मदद से प्रेस करते जाने और उनको बारीक करता जाना। इस तरह हाथ की मदद से प्रेस करते जाएंगे और इनके किनारे बारीक करते जाएंगे। सेम इसी तरह दूसरा पेड़ा भी। अब बेलन की मदद से इसको अच्छे तरीके से हमने इसकी पतली सी एक रोटी बेल लेनी है। सेम इसी तरह दूसरी रोटी भी हम रेडी कर लेंगे। ये देखिए जी, रोटी हमारी सही अच्छे से पतली हो चुकी है। अब इसके ऊपर हम एक तरफ आयल लगाएंगे, चम्मच की मदद से उसे फैला लेंगे। अब इसके ऊपर हम मूली का मिक्सचर जो रेडी करके रखा हुआ था, चम्मच की मदद से किनारे छोड़ के सेंटर में फैला लेंगे। किनारों पे ऐड नहीं करेंगे, नहीं तो ये पराठा खुलने का खतरा होगा। इस वजह से हमने ये सेंटर में सारा मिक्सचर ऐड करना है, किनारों पे ऐड नहीं करेंगे। अब इसी तरह जो दूसरी रोटी है इसको इसके ऊपर रख के हाथ की मदद से किनारे अच्छे तरीके से प्रेस कर लेंगे। यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, उसको मैंने पहले आयल से ग्रीस कर लिया है। अब हम पराठा इसके अंदर शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। अगर आप चाहें तो आप इसको तवे पे भी बना सकते हैं। फ्लेम मैंने मीडियम रखा हुआ है। जब तक इसका एक तरफ से कलर चेंज नहीं होता मैं इसको टर्न नहीं करूंगी। जैसे ही एक तरफ से कलर चेंज करेगा पराठा, मैं इसको टर्न करूंगी, फिर इस पे आयल या घी लगाएंगे। ये देखें जी, एक साइड से इसने अपना कलर चेंज करना शुरू कर दिया है। अब इसको टर्न करते हैं और मैं इस पे आयल लगाऊंगी। अगर आप चाहें तो घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आयल मैंने लगा दिया, जैसे ही अब दूसरी तरफ से कलर चेंज होगा इसका, इसको टर्न करेंगे। इसको दूसरी तरफ से टर्न करेंगे, देखें कितना जबरदस्त इसका कलर आ चुका है। इसी तरह दूसरी साइड से इसको कुक करेंगे। ये देखें जी, कितना जबरदस्त गोल्डन सा कलर आ गया एक साइड पे। सेम इसी तरह दूसरी साइड पे भी कलर आने तक इसको पकाएंगे। देखिए जी, पराठा हमारा बहुत अच्छे तरीके से कुक हो चुका है। इसको मैं अब उतारती हूँ, बहुत जबरदस्त इसको कलर आ गया है। ये देखिए जी, पराठे की फाइनल लुक कितना जबरदस्त बना है, बहुत ही क्रंची है। आपको आवाज से अंदाजा हो रहा होगा, बहुत ही ये क्रंची बना है, क्रिस्पी सा बना है। आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा, मुझे इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।